बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, आपका और हमारा रिश्ता बेहद पुराना है, इसलिए आप अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन को बेहद अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा होती है कृषि समाचार से, जिसमें आप कृषि जगत से जुड़ी हुई ताज़ा खबरें, मौसम का हाल और मंडी का भाव जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मशरूम की खेती आर्द्रता और तापमान के अनुसार करें, सतत आमदनी के लिए किसान नर्सरी को दें बढ़ावा, ग्रीष्मकालीन फूलगोभी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं अर्ली कुंवारी। अब समाचार विस्तार से। मशरूम की खेती के लिए आर्द्रता और तापमान का ध्यान रखना जरूरी है। यदि 9 से 18 डिग्री तापमान है तो बटन मशरूम और 18 से 20 डिग्री तापमान है तो ओइस्टर मशरूम की खेती करें। साथ ही 75 से 80 प्रतिशत नमी को बनाए रखना जरूरी है। कृषि से टिकाऊ और सतत आमदनी के लिए किसानों को फार्म खेती और नर्सरी के प्रयोग को बढ़ाना होगा। किसान भाई जमीन से अधिकतम आमदनी और कम पानी की चुनौती से बचने के लिए नर्सरी बेहतर विकल्प है। इसमें बेमौसम खेती को बढ़ावा मिलता है और किसान अपने उत्पाद का ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आप ग्रीष्मकालीन सब्जी की खेती करने जा रहे हैं तो कद्दू वर्गीय सब्जी का चयन करें। इसमें लौकी, नेनुआ, बोदी, झिंकी, करेला, ककड़ी, खीरा, तरबूज की खेती कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में इन फसलों की खेती कर आप अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप गर्मियों के सब्जी के लिए आप तैयार कर रहे हैं अपने खेतों को, तो आप कद्दू वर्गीय सब्जी का आप चयन करें। लौकी, नेनुआ, झिंगी, करेला, खीरा, ककड़ी और तरबूज का आप चयन कर सकते हैं। भिंडी और बोदी का चयन कर सकते हैं। इन सब सब्जियों का चयन करके आप इसकी अच्छी से अच्छी खेती आप कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन फूलगोभी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में अर्ली कुंवारी लगाएं। ग्रीष्मकालीन फूलगोभी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल, नेत्रजन 120 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, सब्जी जैसे प्याज इत्यादि में निकोनी के लिए फिंगर वीडर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 5 से 7 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में लगने वाले रोग पत्ती अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप यदि मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो इस फसल में लगने वाले रोग पत्ती अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के लिए 0.02% मैंकोजेब या कैप्टान नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि।
प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं दो दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवारमत। आइए हम जानते हैं कि जीवारमत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है।
फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंटित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। खेती किसानी में सिंचाई का क्या महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। सिंचाई की कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें पानी कम खर्च होता है, खेतों को पर्याप्त पानी मिल जाता है और साथ ही साथ जल संरक्षण भी होता है। कुछ और तकनीकें हैं जो खेती किसानी को बहुत लाभ पहुंचाती हैं। कुछ ऐसी ही तकनीकों के बारे में आज हम बातें करेंगे। बात करते हैं ड्रिप और मल्च तकनीक के बारे में। आइए देखते हैं ये कार्यक्रम। दर्शकों, खेती की अगर हम बात करें तो खेती में हमारे किसान बहुत मेहनत करते हैं और जी तोड़ मेहनत का नतीजा हमें साग सब्जी और अन्य मसालों के रूप में मिलती है। ऐसे ही हमारे किसान जो हैं वो नित्य नई कठिनाइयों का सामना करते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है इनके लिए सिंचाई। सिंचाई की प्रबंधन अगर उचित ना हो तो खेत लहलाते नहीं हैं। ऐसे में एक नई तकनीक आई है जो है ड्रिप इरीगेशन और मल्चिंग, जिसमें कम पानी की खेती में अधिक से अधिक मुनाफा हो पाता है। इसी तकनीक को अपना कर परसाना गाँव के कुलेश्वर महतो ने खेती में एक मिसाल कायम किया है और अपने साथ साथ अपने गांव घर के लोगों को भी बता रहे हैं कि मल्चिंग और ड्रिप इरीगेशन को अपनाकर कैसे कम सिंचाई की व्यवस्था करते हुए अधिक से अधिक मुनाफा ले पाते हैं। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और समझते हैं कि कैसे ये तकनीक को अपनाए हैं और इनसे क्या मुनाफा इनको मिल पाया है। पानी कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदान है। पानी के बिना कृषि कार्य की कल्पना बेमानी है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के दबाव और भूगर्भीय जलस्तर का लगातार गिरना कृषि कार्य को जटिल बनाया है। बदलते समय और परिस्थिति के अनुरूप कृषि वैज्ञानिकों ने कम पानी में ज्यादा क्षेत्र में फसल उत्पादन के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को विकसित किया। साथ ही मिट्टी की नमी को बरकरार रखने और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग की सौगात किसान भाइयों को दी। राज्य के बहुत सारे किसान कृषि वैज्ञानिकों के इन अनुसंधानों को अपना रहे हैं और इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। मोतिलेदा गांव के कुलेश्वर वर्मा एक ऐसे ही किसान हैं जो मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई के द्वारा खेती करते हैं। वे ड्रिप और मल्चिंग के लाभ से वाकिफ हैं। वे बताते हैं कि इससे मेहनत, मजदूरी और पानी की बचत होती है। मैं JSPS के माध्यम से MDI सिस्टम हमको मिला हुआ है, जिससे हम टपक सिंचाई से खेती कर रहा हूँ। और खेती जैसे कि MDI प्लॉट में खेती करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेट किए प्लॉट में, उसके बाद उसमें लगाई मिर्चा का खेती। और मिर्चा की खेती लगाने से उसमें क्या होता है, बूंद बूंद के माध्यम से पानी जाता है, तो सबसे पहले पानी की बचत होती है। उसके बाद उसमें मल्च से मतलब लगाए हैं। मल्च को लगाने से हम लोग का जैसे खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता था, तो मल्च के लगाने से एक बार लगा देने के बाद उसमें खरपतवार का मतलब बचत होता है, नहीं उगता है, उसमें मजदूरी कम लगता है। और क्या होता है, पूंजी उसमें एक ही बार लगता है, जो भी लगना रहता है एक ही बार, कोड़ाई वोड़ाई नहीं करना पड़ता है, तो हम लोग मजदूरी की बचत होता है और फसल लगातार अधिक से अधिक मतलब फल देते रहते हैं। जैसे कि हम लोग बिना ड्रिप का माध्यम से खेती करते थे तो एक कुआं हम लोग चालू करते थे, 2-3 घंटा लगातार मशीन चलते रह जाता था एक प्लॉट 6 कट्ठा ज़मीन के लिए। और यही हम लोग ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से करते हैं, तो आधा से 1 घंटा मतलब पर डे पानी चलाते हैं, जिसमें पानी की बहुत बचत होता है, उसके जड़े के पास मतलब पानी जाता है, इधर उधर जो पानी बर्बाद होता था वो पानी बर्बाद नहीं होता। कुलेश्वर को इसकी जानकारी JSPLS से मिली है।
कुलेश्वर बताते हैं कि जब वे अपने खेत में मल्च का प्रयोग नहीं करते थे तब खरपतवार की मात्रा काफी ज्यादा होती थी जिससे वांछित उत्पादन नहीं मिल पाता था। चूंकि ड्रिप और मल्च में शुरुआती दौर में ज्यादा पूंजी और मेहनत लगती है इसलिए कुछ लोग इसे नहीं अपनाते हैं, लेकिन एक बार इसके प्रयोग से कई वर्षों तक लाभ मिलता है। ग्रुप के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं और ग्रुप के माध्यम से सबको बताते हैं कि इस तरह खेती कीजिए तो बहुत अधिक उत्पादन होगा। जैसे कि पानी की बात बोल रहे थे तो जो हम लोग पानी जिस समय एक कुआं से हम लोग कहीं पटवन करते थे तो जो 6 कट्ठा हम लोग पटवन करते थे उस उतना ही पानी में अभी हम लोग का कम से कम 1 एकड़ की खेती हो रहा है। तो मल्चिंग और ड्रिप इरीग्रेशन खेती के लिए हम लोग को JSLPS के माध्यम से हम लोग को मिला, जो कि उसी के माध्यम से हम लोग पता चला कि टपक सिंचाई से खेती करने से पानी की बचत होती है एवं मल्चिंग लगाने से उसमें खरपतवार का मतलब कम उत्पादन होता है। जब हम लोग को मल्च नहीं लगाते थे उस समय पूरा क्रॉप में घास मतलब ज़्यादा मतलब निकल जाता था, खरपतवार में इतना निकल जाता था जो पूरा हम लोग का फसल खराब हो जाता था, उससे उत्पादन क्षमता उसका घट जाता था। जब शुरू में हम लोग चालू किए कि मल्च से खेती करेंगे तो बहुत तरह से मतलब मेहनत उसमें बहुत थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो घर में बोलता था कि खेती उससे नहीं करना है, तो हम लोग बोले कि उसको एक बार आप अपना के देखिए, अपनाने के बाद मतलब धीरे धीरे अपने मतलब आगे बार लगाने लगता है। पहले जब कुलेश्वर अपने खेत में पटवन करते थे तब काफी कम रकबा में भी सिंचाई करने के लिए 2 से 3 घंटे तक मोटर चलाना पड़ता था, लेकिन ड्रिप सिंचाई के प्रयोग से आधा से 1 घंटा के अंदर ही खेत के बड़े हिस्से को सिंचित किया जा सकता है जिससे पानी की काफी बचत होती है। जहां पहले 10 किलो यूरिया की जरूरत होती थी अब 1 किलो यूरिया की जरूरत पड़ती है और इससे आमदनी भी बढ़ी है। जब से मल्च का खेती करने के चालू किए हैं तब से पानी का सुविधा कुछ कम लग रहा है। वैसे पानी पटाना पड़ता था तो एक बारी में कुआं सूख जाता था, अभी पानी का बहुत बचत हो रहा है, इससे हम एक बारी से 2 बारी का फसल उपजा लेते हैं एक ही पानी से। खर्चा तो इसमें बहुत कम लगता है, शुरू में इसमें प्लास्टिक उलास्टिक में खर्चा लगता है, उसके बाद प्लास्टिक के में खाली खर्चा लगता है और पाइप में, उसके बाद इसको एक बार लगा देने से खर्चा उसमें मजदूरी बच जाता है। पैदावार भी इसमें अच्छा होता है कि पहले इसमें कोड़ाई करने से घास हो जाता था तो पौधे ख़त्म हो जाता था और अभी पौधा उसमें बचत हो जाता है, घास नहीं होता है तो पौधा बच जाता है। प्रचार कर रहे हैं जो कि आदमी की सुविधा हो जाए कि खेती करने में, यही हिसाब से कर रहे हैं खेती। कुलेश्वर समाचार माध्यमों और समूह के माध्यम से ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग के प्रचार प्रसार की हिमायत करते हैं। कुलेश्वर स्वयं एक समूह से जुड़े हुए हैं। मिर्चाए लगाए हैं, झींगा उंगा भी लगाए हैं, भिंडी है, करेला है, कद्दू झींगा सब कुछ लगाए हैं। पहले से जो हम लोग खेती करते थे लगा देते थे 1 एकड़ जमीन में लगा देते थे मिर्चा खेती, तो घास उसके माध्यम से फल उत्पादन बहुत कम होता था, और वही खेती हम लोग 25 डिसमिल में अब करने लगे हैं, तो जितना हम लोग 1 एकड़ में कमाते थे उतना 25 डिसमिल में भी हम लोग कमा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद वर्मा मोतीलेदा गाँव के एक ऐसे किसान हैं जो अपने खेत में ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करते हैं। उनका कहना है कि मल्चिंग लगाने पर खेत से खरपतवार हटाने के लिए कोड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है जिससे मजदूरी बचती है। उनका मानना है कि शुरुआती दौर में ड्रिप और मल्चिंग में खर्च कुछ ज्यादा जरूर है लेकिन इसके लाभ दीर्घकालिक हैं, इससे उत्पादन ज्यादा होता है। मल्चिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, मल्चिंग से पानी का बचत होता है और खेती में अधिक मतलब फसल में कम पानी की जरूरत पड़ती है और उसे फसल अधिक दूर तक लगाई पड़े मतलब अधिक क्षेत्र में लगता है, और उसमें दवाई का भी खरपतवार नहीं होने से दवाई का भी कम छिड़ाव पड़ता है, और खाद का जहाँ 10 से 12 केजी का उपयोग होता है वहाँ अब 1 केजी के लगभग में होता है, और खर्च में भी एक कम में लागत में मिल जाता है। जैसे कि अगर हम मजदूर को ही रखेंगे तो उसमें ज़्यादा लागत आ जाता था, लेकिन इसमें लागत कम पड़ता है और खरपतवार बार बार ना होने के कारण इसमें ये अधिक टाइम तक फलता है। सुभाष बताते हैं कि मल्चिंग और ड्रिप के कई फायदे हैं। इससे पानी, उर्वरक, कीटनाशक तथा मजदूरी की बचत तो होती ही है, खरपतवारों के साथ फसल की प्रतिस्पर्धा नहीं होने के कारण पौधों को भी सही पोषण मिलता है और इससे उत्पादन भी ज्यादा होता है। पहले तो घास हो जाने के कारण तो एक दो
फसल देता था उसके बाद तो वो ख़त्म हो जाता था, लेकिन घास जब नहीं होता है खरपतवार तो फलता ही रहता जब तक पौधा मरता नहीं है। दवा का तो खरपतवार होने के कारण दवा का तो कीड़ा लग ही जाता था, लेकिन अब खरपतवार नहीं होता है तो दवा का भी मात्रा कम ही हो जाता है। पहले तो खर्च जैसे कि घास हो जाने के बाद इसको बार बार ही कोड़ाई करना ही पड़ता था, अगर नहीं कोड़ाई करेंगे तो ख़त्म ही रहता था लगभग। लेकिन अब जब प्लास्टिक नीचे में बिछा रहता है तो उसमें सिर्फ जड़ के ही बगल आता है घास, और इसके बगल तो कहीं आता ही नहीं क्योंकि पूरा में प्लास्टिक रहता है। मुनाफा पहले तो ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि अगर हम 10 पौधे को लगाते थे तो उसको बार बार खरपतवार निकालना पड़ता, लेकिन अब 10 पौधे को लगाएंगे तो इसमें प्लास्टिक लगेगा सिर्फ, और सिर्फ पानी देना पड़ेगा और ना उसका किसका तो कोड़ना तो नहीं पड़ेगा, जिससे टाइम का बचत होगा और फल तो देता ही रहेगा। सुभाष की आमदनी में इजाफा हुआ है। इसका कारण है कि पौधों की खरपतवारों से स्पर्धा नहीं होती है, जिस कारण फलन बढ़ा है। साथ ही साथ कम पानी लगने से वे ज्यादा बड़े रकबा में खेती कर पाते हैं। सुभाष बचत और आमदनी को बढ़ाने के लिए मल्चिंग और ड्रिप को काफी उपयोगी मानते हैं। पानी तो इसमें बहुत कम मिलता है, इसका पानी तो जड़ के ही पास जाता है, उसमें तो पूरा जितना क्षेत्र में लगता था उतना पटाना पड़ता था। हाँ, पानी का तो बचत बहुत हुआ, मतलब कि इसमें अगर 100% लगता है तो इसमें 10% में उतना काम हो जाता है। अजीत कुमार वर्मा एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के फील्ड कोऑर्डिनेटर हैं। वे मल्चिंग और ड्रिप अपनाने के लिए स्थानीय किसानों को प्रोत्साहित करते हैं, वे उनका मार्गदर्शक भी हैं। उनका मानना है कि किसान ड्रिप और मल्चिंग से कई तरह की फसलों का उत्पादन कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ वे खुशहाल भी हैं। मैं गांव में जाता हूं और किसानों से मिलते हैं कि लोग खेती आज कर रहे हैं और मतलब क्या अच्छा हो, कम पानी में कैसे बचत हो, उस तरह के भी किसानों को बताते हैं कि आज लोग धीरे धीरे ज़मीन में पानी का स्तर नीचे जा रहा है, उसके लिए मल्चिंग के द्वारा, ड्रिप इरीगेशन के द्वारा, स्प्रिंकलर के द्वारा ही किसानों को हम लोग बताते हैं और अच्छा से आज लोग आज देख रहे हैं किसान कर रहा है और अच्छा मिर्चा है, बैंगन है, टमाटर है, कद्दू है, करेला है, सारा चीज़ खेती लगा रहे जो कर रहे हैं और खुशहाल हैं कि कम पानी में हमको कैसे मतलब पहले लोग नहीं करते थे और आज बचत भी हो रहा है लोगों को। जी पहले के अपेक्षा अभी बहुत खुशहाल हैं, क्योंकि पहले लोग जो लागत लगता था उससे अधिक उनको फिर बचत नहीं हो पाता था, उस अनुसार जितना उपज होता था उसमें मजदूरी में लग जाता था। अब क्या है कि मल्चिंग के द्वारा खरपतवार कम हो रहा है, पानी देने में कम हो रहा है, उसमें जैविक खाद चाहे गोबर एक बार दे दिए फिर वो दोबारा देने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो इससे बचत हो रहा है किसान को और अच्छा इनकम हो रहा है। यह सच है कि झारखंड जैसे पठारी क्षेत्र में अच्छी वर्षापात के बावजूद पानी का अभाव रहता है, जिसका सीधा प्रभाव खेती बाड़ी पर पड़ता है, लेकिन ड्रिप और मल्चिंग अपनाकर किसान कम पानी, कम मेहनत और कम उर्वरक के प्रयोग से भी ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसानों ने कृषि के इन तकनीकों को अपनाया है वे आज की तारीख में खुशहाल हैं। तो देखा किसान भाइयों आपने, अगर खेती किसानी को तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो ये कितना लाभकारी होता है। आज के अंक में इतना ही, लेकिन इस अनुरोध के साथ आपसे विदा लूंगी कि आप अपनी बातें हमें खत के माध्यम से अवश्य लिख भेजेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।